हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल टी क्राफ्ट। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ एक वेस्ट मटेरियल से बनी हुई एक यूनिक चीज़। देखिए ये कितना ज़्यादा वंडरफुल लग रहा है ना, मैंने सिर्फ इसे कैंडल से बनाया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए मेरे पास कुछ वेस्ट मटेरियल है। यहाँ पर एक मैं खाली डब्बा ली हूँ और उसके बाद एक ग्लिटर पेपर है। अब हम इसे चारों तरफ से ऐसे कवर कर लेंगे पेपर से, और इसे हम सीजर की हेल्प से इसे हम पेपर को कट कर लेंगे। बाकी का इसे डेकोरेट करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर अपने तरीके से किया हुआ। अब इसे नीचे वाले पार्ट को, बचे हुए पार्ट को मैं ऐसे कट कर लूँगी और इसे फेविकोल से हम चिपका देंगे। ये देखिए फ्रेंड, मुझे ऐसे ही चिपकाना है चारों तरफ से। अब आते हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक रिबन लिया है। आप चाहें तो इसे और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, बट मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाया है तो इसीलिए मैं ऐसे ही डेकोरेट करूँगी। पॉट फाइनली बनके रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ कलरफुल और वाइट कैंडल्स लिया हुआ है। आप चाहें तो कलरफुल कैंडल्स और यूज़ कर सकते हैं। अब इस कैंडल्स को मुझे ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। सारे कैंडल्स को ऐसे ही मुझे टुकड़ों में तोड़ना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही सब कैंडल्स को तोड़ लेना है। टुकड़े आसानी से गैस पर रखने से पिघल जाते हैं, इसलिए हम छोटे ही टुकड़ों में इसे तोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे टूट गया है मेरा सारा कैंडल्स। इसमें आप सूखा कलर ग्लिटर पाउडर ऐड करेंगे। अब इसको गैस पे गर्म करने के लिए रख देते हैं। फ्लावर बनाने के लिए हम अपनी तीन उंगली को कैंडल लिक्विड में डालेंगे। उसके बाद ठंडे पानी को, इस प्रोसेस को हमें दोबारा रिपीट करना है। उसके बाद हम सूखे डंडे में इसे अच्छे से ऐसे ही फिट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, ऐसे ही मुझे प्रेस करके इसमें फिट कर देना है। इसके बाद हम दोबारा भी यही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम दो उंगली की हेल्प से पहले एक बार कैंडल लिक्विड में डालेंगे, उसके बाद हम ठंडे पानी में डालेंगे, उसके बाद हम इसे अच्छे से यहाँ पर चिपका देंगे। इसके लिप्स देखिए फ्रेंड्स बनके तैयार हो गया है। आप ऐसे ही हल्के हाथों से इसे पूरा प्रेस करके आपको ऐसे ही बनाना है। बनाने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल लगता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं इसे बनाकर जब रेडी करूँगी ना, तो आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये फ्लावर्स आप घर पे बनाए हुए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप मार्केट से ख़रीद कर लाए हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बनकर तैयार हो गया है। ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना। ये मैंने खुद से अपने हाथों से बनाया है, और आप इसे अपने घर पर बना सकते हैं। आप इसे अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे डेकोरेट करने के लिए कुछ पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ ली थी, जिसे मैं यहाँ पर ऐसे ही लगा दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना। ये देखिए, ये पूरा बन के तैयार हो गया है। आप इसे अपने घर पर कहीं पर भी इसे लगा सकते हैं। कोई कह नहीं सकता ना इसे देखकर कि आपने इसे अपने हाथों से बनाया हुआ है। ये कितना ज़्यादा वंडरफुल लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अपने घर में रख के नाइट में शूट किया हुआ है। ये देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसे देखकर लोग कहेंगे ही नहीं कि आप इसे आपने अपने हाथों से इसे बनाई हुई हैं। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल।